नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का DLR फोर्थ सेमेस्टर बिग मैराथन क्लास में। मित्रों, तो आज हम लेकर आए आपके लिए आपके द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए वस्तुनिष्ठ यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्नों की बिग मैराथन क्लासेज। मित्रों, इससे पहले बिग मैराथन क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पेपर वाइज नेम वाइज आप वहां पर चेक कर सकते हैं और सारे क्लासेज आपको एक क्रमबद्ध तरीके से वन सभी की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज की जो क्लासेज है मित्रों, जिसमें आप सभी देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्य घोतक है, यह कथन क्या है? तो देखिए, कथन और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी हुई डेफिनेशन, ये इसके लिए आपको इनको, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इनके लिए आपको सबसे पहले की पॉइंट, ठीक है, या तो हम जो बता रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग इनको याद कर लीजिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने विवेकानुसार इनमें एक की पॉइंट रख सकते हैं जो कि आपको तुरंत मिलने पर आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए कि ये इस महोदय की डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह, और यही सभी आप जो डेफिनेशन दी हुई है या कथन दिए हुए हैं सभी को आप किस तरह याद करेंगे। तो देखिए, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी की बन रही है राष्ट्र विकास में मील का पत्थर, प्रोफेसर SK दुबे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके विकास में? राष्ट्र विकास में मील का पत्थर प्रोफेसर SK दुबे के द्वारा दिया गया था, इसलिए यह कथन किसका है? प्रोफेसर SK दुबे जी का है, ठीक है। तो आप इस तरह की पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग, अदरवाइज हमारे अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे तो सारे ही डेफिनेशन में आपको की पॉइंट मिलने से तुरंत ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो बिल्कुल से करेक्ट और राइट होगा। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है, यानी जो विद्यालय का लिए प्रशासन प्रबंधन होता है उसमें सबसे अहम भूमिका, मुख्य भूमिका में कौन होता है? तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य भूमिका, जैसे हम प्रधानाध्यापक, ठीक है, किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की, ठीक है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन की सारी ही बागडोर विद्यालय प्रबंधन की, ठीक है, प्रधानाध्यापक की होती है, इसलिए वह उसकी मुख्य भूमिका में होता है विद्यालय प्रबंधन की में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कथन किसका है? ठीक है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। तो यह भी डेफिनेशन दी हुई है, कथन दिया हुआ है। तो देखिए, इसके लिए एकमात्र छोटा सा की पॉइंट आप बना सकते हैं, या तो सार्वभौमिक विज्ञान किसने दिया था? टेलर महोदय का है। सार्वभौमिक विज्ञान किसका है? टेलर महोदय का। या फिर आप जन कल्याण कोई एक बना सकते हैं, तो जन कल्याण दिया था किसने? टेलर महोदय ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है, जो कथन दिया हुआ है, वो टेलर का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व तो होता है, यानी विद्यालय का जो भी प्रबंध किया जाता है उसके अंतर्गत सारे ही वर्ग आते हैं, एक तरह से विद्यालय प्रशासन ही बोले इसको, ठीक है, नाम और वर्ड चेंज है और कुछ नहीं है। तो ये भी किसी का दायित्व तो होता है, ये प्रधानाध्यापक का, जो वहाँ का विद्यालय का मुखिया होता है, यानी मुख्य अध्यापक, यानी कि प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर भी आपका जवाब जो होगा वो प्रधानाध्यापक ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है, किसने कहा था? ठीक है, तो जैसे ही मैं, ये नियोजन एक मील का पत्थर है, लेकिन इससे पहले जो डेफिनेशन दी हुई थी राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर, और ठीक है, तो यहाँ संस्थागत नियोजन में एक मील का पत्थर है, तो यह किसके द्वारा दी गई है? EW फ्रैंकलिन महोदय के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा दी गई है? EW फ्रैंकलिन महोदय के द्वारा, ठीक है। तो नियोजन एक मील का पत्र है, ये EW फ्रैंकलिन का है, और विकास, राष्ट्र विकास में एक मील का पत्र है वो SK दुबे की, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है, तो प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए आप ही का कोई विद्यालय है और आपको उसमें प्रबंधन की कार्य सौंपा गया है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे?
जो भी प्रबंध करना है उसकी व्यवस्था करेंगे, एक नियोजित प्रणाली तैयार करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था हो या, तो इस तरह हमारे नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन आदि, ये सभी हमारे प्रबंधन की ही प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है, यानी जो विद्यालय में प्रबंध किया जाता है उसकी सबसे विशेषता क्या होगी, उसकी व्यवहारिकता होती है, उसका लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना, ये सभी हमारे विद्यालय प्रबंधन की ही विशेषता है। क्योंकि जब तक विद्यालय प्रबंधन व्यवहारिक नहीं होगा, लचीला नहीं होगा, उद्देश्य केंद्रित नहीं होगा, तो वह आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उपरोक्त सभी भी यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन है, प्रबंधन यानी विद्यालय के प्रशासनिक जो प्रबंधन करने की क्या है, एक प्रबंधन व्यवसाय है, नियंत्रण या सभी, तो प्रबंधन जो है वो आपकी एक कला है, ठीक है, एक कौशल है, क्या है, एक कला है, एक कौशल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है, ठीक है, तो प्रबंधन की जो प्रक्रिया की जाती है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ठीक है, तो आप इसे बता सकते हैं, नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासनिक जो भी है उसको तैयार करना, तो यहाँ पर भी आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है, मान लीजिए आपको विद्यालय भवन का निर्माण करना है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक विद्यालय खोलना है, उसके लिए विद्यालय भवन का निर्माण करना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें याद रखोगे, कि छात्रों की संख्या के अकॉर्डिंग आप उसमें क्या देखोगे, छात्रों के अकॉर्डिंग देखोगे ना, कि छात्रों की संख्या कितनी रखनी चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग हमारे रूम का आकार किस रूप में होना है, हमारे पास आर्थिक स्थिति है वो कितने कितने हैं, ठीक है, तो छात्रों की संख्या और आर्थिक संसाधन, ये सभी हमें देखना होता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है, और सबसे अहम जो है वो आपका आर्थिक, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है, जिसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चतुराई की आवश्यकता है, यह कथन किस महोदय का है, ठीक है। तो देखिए, छात्रावास प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, की पॉइंट बनाएंगे, छात्रावास प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, छात्रावास प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस महोदय के द्वारा दिया गया था, अगर आप इसका की पॉइंट तैयार करेंगे, ठीक है, तो वो रायवर्ण महोदय का है, किसका है, रायवर्ण महोदय का, ठीक है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, या आप एजेटिव डेफिनेशन को याद करना का आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जो भी डेफिनेशन दी हो, कथन दिया हो, उसमें की पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो खेल की आवश्यकता आखिर होती क्यों है, ठीक है, तो विद्यार्थियों को मानसिक विकास हेतु, उनके शारीरिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु, बौद्धिक विकास हेतु आदि के लिए खेल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विद्यार्थियों और विद्यार्थी जो क्या जो होते हैं वो खेल प्रिय भी होते हैं, ठीक है, उस अवस्था में, ठीक है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर आंसर होना चाहिए वो इन दोनों में ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए आपका सा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, तो देखिए विद्यालय है आपका, ठीक है, और जो लाइब्रेरी होती है वो विद्यालय का हृदय कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था कहाँ पर की जाती है, उसकी लाइब्रेरी में, ठीक है, ना कि प्रयोगशाला, कार्यालय और छात्रावास में, तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कही जाती है या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, बौद्धिक प्रयोगशाला कहें या उसका हृदय हम बोलें, तो उसकी बौद्धिक जो प्रयोगशाला कही जाएगी वो क्या कही जाएगी, लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय, ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर आपका सी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब भारत की को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये या फुटबॉल का मैदान दिया था किस महोदय ने, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए, दोनों ही कथन यानी एक ही कथन में दोनों इनके द्वारा तर्क रखे गए हैं, स्कूल का जो स्थल है वो सड़क के पास भी होना चाहिए ताकि सभी उस पर संभव हो, यानी आवागमन ठीक भी हो, ठीक है, लेकिन वहीं पर यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी होती है विद्यार्थियों के लिए इससे दुर्घटना हो सकती है, तो ये कथन किस महोदय के थी, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, तो इस तरह जोड़ सकते हैं कि सड़क के पास और सड़क से दूर स्कूल खोला था, ठीक है,
स्कूल खुला था सड़क के पास और सड़क से दूर, तो किस महोदय के द्वारा है? तो भी इस तरह आप देखो अपने अकॉर्डिंग की पॉइंट बना पाएंगे, तब भी ये रायवर्ण महोदय का ही कथन है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए, यानी जो कुर्सी है एवं मेज है दोनों की स्थिति जो विद्यार्थियों के हित में होनी चाहिए, के लिए होनी चाहिए, धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक या सभी, ठीक है। तो इस तरह आपको देखना होगा। तो देखिए, जो कुर्सी एवं मेज की स्थिति है छात्रों के लिए किस तरह की होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आकार का भवन नहीं होता है, यानी अगर आप विद्यालय भवन निर्माण करें, देखो आप सारी चीज़ें आपके विद्यालय और विद्यार्थियों से हैं, ठीक है, तो अदर आप इसको बाहर ना सोचेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी। तो किस आकार का भवन नहीं होता, यानी विद्यालय जो भवन है, ठीक है, उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो आप उसी को देखना है। तो विद्यालय भवन जो होता है ए आकार का होता है, आई आकार का होता है, ई आकार का हो सकता है, लेकिन डी आकार का नहीं होता है, ठीक है। तो किस आकार का नहीं होता है? डी आकार का, इसलिए यहाँ पर आंसर भी आपका द ही हो जाएगा, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, ठीक है, तो जो मानवीय संसाधन है उनका उपयोग क्यों आवश्यक है? तो देखिए, आप शिक्षा के लिए कर रहे हैं ना, तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, तो उत्तम शिक्षा के लिए, यानी उत्तम शिक्षा के लिए, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, अपनी शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने के लिए, बालकों में जो एकाग्रता है उसको अत्यधिक बनाने के लिए, और अधिगम को और सरल और सुगम बनाने के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उत्तम शिक्षा के लिए मानवीय संसाधनों का उपयोग बेहद आवश्यक है एक शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो वो ग्राम प्रधान होता है, ना कि प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रधानाध्यापक यानी मुख्य अध्यापक होता है, लेकिन ग्राम सभा का जब भी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप जवाब दोगे प्रधान, ठीक है, ग्राम प्रधान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है, किसका कथन है? तो समुदाय में जीवन यापन करने वाली बालक की प्रयोगशाला, ठीक है, की पॉइंट क्या बनाएंगे हम? समुदाय में जीवन यापन करने वाली बालक की प्रयोगशाला किसने तैयार की थी या किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है, तो की पॉइंट हमने तैयार कर लिया, तो जॉन यू माइकलिस, किसके द्वारा? जॉन यू माइकलिस, ये के ऑप्शन फर्स्ट में है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी समुदाय जीवन यापन करने वाली बालक की प्रयोगशाला खोली गई थी, या आप इस तरह याद करेंगे या दी थी, तो जॉन यू माइकलिस, तो इससे आप इस कथन को बेहद आसानी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होती है, किसकी रिपोर्ट है, यानी यह रिपोर्ट किस समिति की दी हुई है, क्योंकि सभी के आयोग के नाम आपके चार ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, थीके? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की रिपोर्ट दी थी, तो इस तरह आप इसकी की पॉइंट भी बनाएंगे, तो किस महोदय के द्वारा दी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किसके द्वारा या किस समिति के द्वारा दी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। नेक्स्ट आपका, कल के विश्व को कौन चलाता है या भविष्य का निर्माता कौन है? एक शिक्षक ही है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि शिक्षक। निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा, यह किस महोदय के द्वारा कहा गया, या आप जोड़ सकते हैं निर्जीव शिक्षक और सजीव शिक्षक किनके द्वारा दिए गए थे, तो इस तरह आप की पॉइंट याद रखेंगे, ये कथन है या डेफिनेशन, इस तरह आप याद रखेंगे, ठीक है। तो निर्जीव शिक्षक, सजीव शिक्षक किस महोदय के द्वारा दिया गया था? तो डब्ल्यू एम रायवर्ण महोदय के द्वारा इनको कहा गया था, कि यदि कोई भी शिक्षक निर्जीव है, निर्जीव मतलब ऐसा है कि जो क्लासरूम में बिल्कुल से हताश रहता है, ठीक है, जो अपनी नई नई विधियों तकनीकों का प्रयोग ना करे, एक तरह से अगर हम लेंगे, ठीक है, और सजीव का मतलब होता है एक्टिव, निजी मतलब बिल्कुल से नीरस, ठीक है, इस रूप में इनके द्वारा दिया गया था, तो वो रायवर्ण महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है, ठीक है, तो विद्यालय में जो मानवीय संसाधन है उसका अंग है, तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हों, तब आप इस तरह कोई अगर प्रश्न बनता है तो ये आप सबको देखना होता है कि विद्यालय समुदाय में मानवीय संसाधन के अंग हैं, एक शिक्षक भी होता है उसमें, छात्र भी होते हैं, और वहाँ का समुदाय यानी जिसे हम बोलते हैं समाज, ठीक है, होती हैं, तो इस तरह आपका आंसर भी डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है
जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। तो यह भी कथन और डेफिनेशन दी है। तो जब भी लेंथी डेफिनेशन होगी तो हम यही करेंगे कि इसमें की पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो यह जो डेफिनेशन दी हुई है वो ओपी शर्मा जी के द्वारा दी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधाना अध्यापक में निम्नलिखित में से किन किन गुणों का होना आवश्यक है, यानी जो विद्यालय का एक मुखिया होता है जिसे प्रधान अध्यापक, मुख्य अध्यापक के नाम से आप जानते हैं, तो उसके लिए अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए एक आदर्श के रूप में, ठीक है। सुगम करता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये जो सारे गुण हैं, एक बेहतर जो प्रधान अध्यापक होगा उसमें ये सारे, यानी सुगम करता भी होने चाहिए उसको, ठीक है, प्रेरणादायक होना चाहिए विद्यार्थियों को, वहाँ के सहायक अध्यापकों को एक मोटिवेशन बनने वाला होना चाहिए, ठीक है, और एक उस नेतृत्व की जो कौशल होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसमें परंपरागत यानी पारंगत होना चाहिए उसको, ठीक है। तो उपरोक्त डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक के विषय में किसने कहा है, समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपरा और तकनीकी कौशल पहुंचाने का एक केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और यह डेफिनेशन आप सभी को याद भी होगी, ठीक है, किसी भी की पॉइंट के माध्यम से आप याद रखें। यानी जो बौद्धिक परंपरा है वो तकनीकी कौशल दी थी, ठीक है, यानी समाज में बौद्धिक परंपराओं के तकनीकी कौशल किस महोदय के द्वारा दिया गया था, अगर आप की पॉइंट इसको याद करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया था, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, बिल्कुल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्तीय प्रबंधन के साधन है, वित्तीय प्रबंधन, जैसे एक विद्यालय है तो उसका वित्त का प्रबंधन कहाँ कहाँ से होता है, विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन, उपयोग सभी। तो ये तीनों ही जो दिए हुए ऑप्शन में, यहाँ से विद्यालय को वित्तीय प्रबंधन या प्रदान होता है या मिलता है, ठीक है, विद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिलता है, ठीक है, TLM ग्रांट के द्वारा भी मिलता है, समाज से भी जो धनी वर्ग के लोग होते हैं समुदाय के वो भी विद्यालय में अनुदान देते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है, यहाँ पर भी देखो राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से, जनप्रतिनिधियों से, ठीक है, बस ऑप्शन क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे जो विद्यालय में जो अनुदान प्राप्त होता है वो राज्य सरकार, यानी वहाँ की जो राज्य की वो सरकार होगी वह उसको प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, पुस्तकालय विद्यालय का होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, हृदय माना जाता है। और जबकि कार्यालय होता है उसे विद्यालय का ना, जैसे कार्यालय होता है ना उसको नाड़ी केंद्र बोलते हैं, ठीक है, कार्यालय यानी रखेंगे आप, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है और वहाँ का कार्यालय वहाँ का नाड़ी संस्थान यानी कि होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल में का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए, किस महोदय के द्वारा कहा गया है, यानी अगर विद्यार्थियों को एक बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, ठीक है, यानी कि वर्तमान समय की जो दुनिया है, ठीक है, तो उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए, यह जो डेफिनेशन दी है या यह कथन कहा गया है तो किस महोदय का है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा यह कथन कहा गया है, इसलिए आंसर भी डॉक्टर रंगनाथन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, यानी जो टाइम टेबल एक तरह से जो सीढ़ी होती है, टेबल होती है, ठीक है, वो स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उनके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। आप प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी बिग मैराथन उसमें भी ये डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, ठीक है, तो आपको बताया भी था तो आपको याद होगा। तो शीघ्रता से इसकी है डॉक्टर जसवंत सिंह की, ठीक है, टाइम टेबल का स्कूल प्लग स्पार्क प्लग लगाया था, ठीक है, या दिया था किसके, डॉक्टर जसवंत सिंह के द्वारा, ठीक है, या स्कूल का स्पार्क प्लग इस तरह भी दिया था, किसने दिया था, डॉक्टर जसवंत सिंह के द्वारा, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, किसका कथन है, यानी टाइम टेबल को ताला लगा दिया, ठीक है,
यानी कि क्या हुआ, टाइम टेबल को ताला लगाया था किस महोदय के द्वारा, आरसी फॉस महोदय के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही आरसी फॉस है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेबल को ताला किसके द्वारा लगाया था, आरसी फॉस महोदय के द्वारा। कीवर्ड्स के माध्यम से हम अधिक से अधिक लेंथी डेफिनेशन को भी और छोटी सी भी डेफिनेशन को याद कर पाएंगे और तुरंत आपके में ऑटोमेटिक माइंड में वह क्लिक हो जाएगी जैसे ही वह डेफिनेशन आपके सम्मुख आती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाठ्यसहगामी क्रियाओं को कहा जाता है। ठीक है, यानी विद्यालय में जब जो पाठ्यसहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पाठ्येतर प्रवृत्तियां, कक्षीय प्रवृत्तियां, पाठ्यसहगामी क्रियाएं, तो ये सभी एक इनकी के जैसे हम कहें कि एक तरह से इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा प्रशासन उचित विद्यार्थियों को राज्य के व्यय साधनों की सीमा में रहते हुए उचित अध्यापकों द्वारा उपयोगी वातावरण में उचित शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। एक शिक्षक के संबंध में उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो उपयुक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा कहा गया है। ठीक है, यानी अध्यापकों द्वारा एक उपयोगी वातावरण तैयार किया गया। ठीक है, अध्यापकों के लिए एक उचित उपयोगी वातावरण तैयार किया गया था किस महोदय के द्वारा, तो ग्राम वेलफेयर के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम वेलफेयर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन भी ग्राम वेलफेयर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीसीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को कितने आवश्यक तत्व बताए हैं, यानी बीसीयर्स ने जो शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया है, ठीक है, तो उसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो कितने बताए गए हैं, 5 तत्व बताए गए इनके द्वारा। तो आपका आंसर भी 5 ही तत्व आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का, या ऐसे भी कह सकता है कि निर्णयवादी सिद्धांत किस महोदय के द्वारा दिया गया, या यह प्रश्न जैसे एजिटेड पूछा गया है तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तब बस आपको याद रखना है कि निर्णयवादी सिद्धांत किस महोदय के द्वारा दिया गया है, ग्रिथिप्स के द्वारा दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूप, नियमों सबके संयुक्त से होता है या किया जाता है, यह कथन किस महोदय के द्वारा कहा गया है। तो आपको याद रखना होगा जेबी सीयर्स महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया है, किसके सापेक्ष में, संगठन के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर भी जेबी सीयर्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है, यानी वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कथन डेफिनेशन की काफ़ी डेफिनेशन है, तो वो आपको देखनी होगी। इन सभी को एक विशेष की पॉइंट के द्वारा आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कई बार ये डेफिनेशन आपको मिलती है देखने को, जो 1 से 2 महत्वपूर्ण डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाती हैं, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना होगा। की पॉइंट के माध्यम से हम इनको बेहतर वे में एक बेहतर तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का मूल्यांकन किया था डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, इस तरह आप याद रखिए। ठीक है, इसको की पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, किसका कथन है। ये तो आपको याद ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स यहाँ तक यूपी टेट में कई बार रिपीट हुआ है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह जो डेफिनेशन है वो किस महोदय के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन प्रसिद्ध है और पॉपुलर भी है, कई बार आई है, H.C. वेल्स की है। ठीक है, तो आप भी याद रखेंगे, इतिहास का वास्तविक अध्यापक निर्माता है H.C. वेल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, किसका कथन है। ठीक है, तो शिक्षक को मानव जाति का कर्ता बताया था। ठीक है, तो कोई भी बड़ी से बड़ी डेफिनेशन हो या छोटी से छोटी डेफिनेशन हो तब भी आप याद रखेंगे, तो ये किसके द्वारा, जॉन एडम्स के द्वारा दिया गया कथन है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राम शिक्षक समिति का कब संशोधन किया गया था, यानी जो ग्राम शिक्षक समिति थी उसमें संशोधन कब किया गया था। तो देखो, समिति की स्थापना और संशोधन ये आपको विशेष ध्यान रखने होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास वही दिया हुआ है जिस तरह आपके ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन, तो ये भी आपको देखना होता है। तो संशोधन कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था ग्राम शिक्षक समिति में संशोधन। ठीक है, तो ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट आपका, मातृ शिक्षक संघ में कुल सदस्यों की संख्या होती है, तो मातृ शिक्षक संघ जो तैयार किया जाता है उसमें कुल सदस्यों की संख्या
20 होती है, इसे भी आप याद रखेंगे, इसलिए आपका आंसर भी 20 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए, जो मीना मंच जो विद्यालय में तैयार किया जाता है, वह बालिकाओं की शिक्षा को विकास करने के लिए, उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बालिकाओं की शिक्षा का विकास के लिए दिया हुआ है, इसलिए यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल गणना पंजिका है, यानी जो बाल गणना पंजिका होती है, जिसे हम बोलते हैं एक रजिस्टर, ठीक है, जहाँ पर विद्यार्थियों की एब्सेंट प्रेजेंट और बालकों की जो गणना होती है, यानी कि विद्यालय में कितने बालक हैं, तो वह क्या है, आपके शैक्षिक अभिलेखों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत क्या आएंगे, जो वित्त, वहाँ की वित्त प्रशासन की जो भी प्रणाली के अंतर्गत, जैसे वित्त की, धन की व्यवस्था, कहाँ कहाँ पर खर्च है, वह विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक की भूमिका होती है, तो आप भी अच्छी तरीके से एक बेहतर शिक्षक हैं सभी, ठीक है। तो आप, शिक्षक की भूमिका होती है किसके रूप में होती है, तो आप अच्छी तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी के लिए एक मित्र, ठीक है, एक निर्देशक भी होता है, तभी वो एक परिपूर्ण शिक्षक बनता है, इसलिए आपका आंसर भी सी होगा, अ और ब दोनों ही यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना किसके कारण होती है, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसकी हो जवाबदेही होगी, तो प्राचार्य की भूमिका, प्राचार्य का उत्तरदायित्व होता है, ये प्राचार्य का कार्य होता है, नहीं, प्राचार्य की जवाबदेही होगी, क्या होगी, ये प्राचार्य की जवाबदेही होगी। जब भी कोई अधिकारी आएगा, निरीक्षण होगा, तो वह उससे जवाबदेही कौन की होगी, वहाँ का जो प्राचार्य है वही इसका जवाबदेही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है, जो नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत ये बता पूछे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन कौन सी क्रिया है, तो ये देखना है, पीटी, सामूहिक परेड जो होती है, नाट्य लेखन, या छात्र परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नागरिक मूल्यों का विकास किया जाता है छात्र परिषद के माध्यम से, ठीक है, तो आपका आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है, कौन सा चिकित्सा है, चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इस तरह आपको देखना होता है। तो देखिए, पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए, वो खेल चिकित्सा के माध्यम से भी, योग चिकित्सा के माध्यम से, समूह चिकित्सा के माध्यम से, इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल ठीक है, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है, ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ऐसी पाठ्य सहगामी क्रिया जो तर्क शक्ति का विकास करती है वह आपको देखनी होती है, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से देखेंगे। तो जब चारों ऑप्शन को हम देख पा रहे हैं, तो वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है, जिसे वाद विवाद प्रतियोगिता बोलते हैं, ठीक है, तो ये विद्यार्थियों में क्या होती है, जो बोलने की झिझक है, उनकी जो तर्क शक्ति है उसको डेवलप करती है, ठीक है, तो आंसर भी वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना का आशय किससे होता है, देखिए सूचना का आशय पूछा गया है, अब आपको ऑप्शन देखने होंगे। सूचना एक तरह से ज्ञान ही होता है, ठीक है, क्योंकि हम विद्यालय विद्यार्थियों को अध्ययन कर रहे हैं, और तो ये ज्ञान से ही लिया जाएगा इसका आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनामी का निर्माण होता है, ठीक है, तो अब जब सुनामी आती है तो उसका निर्माण किस तरह होता है, तो जो पृथ्वी के अंतर्गत जो प्लेटें होती हैं उनके किस तकने से सुनामी का निर्माण होता है, ठीक है, तो आपका आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बादल फटने का अर्थ है, बादल फटने का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस हमारी बिग मैराथन क्लास में होता है, बताया था मैंने कि अचानक भारी वर्षा का होना ही बादल फटने के रूप में लिया जाता है, यानी तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, NCERT की स्थापना कब की गई थी, तो इसे तो आप अलीविद से जानते होंगे, 1981 करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है, प्रथम सेमेस्टर लेकर से लेकर के अब तक आपको ये कई बार एग्जाम में देखा होगा, और आपने अब तो इसको रट ही लिया होगा कि भारत की जो प्रथम मनोविज्ञान शाला थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, इलाहाबाद में, ठीक है, कब स्थापित की गई थी, 1954 में, ये भी आपको ने सब कुछ रट लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय की स्थापना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको देखना होता है, ठीक है,
तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो कब हुई थी इसकी, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर 1962 ऑप्शन फर्स्ट में इसलिए करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट आपका न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। न्यूपा परिषद होता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है, यह किसका कथन है। आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन के अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। किस महोदय का कथन है ये, तो अब कीवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सी यानी बिल्स महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण है, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण है, किसका कथन है। कुछ याद आया, हाँ प्रीवियस में ये आ चुकी है डेफिनेशन और मैं कीवर्ड भी बता चुका हूँ डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ स्थित है। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार यूपी टेट में भी आया है और आपको याद भी होगा ये। बिल्कुल सही जवाब है इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपका NCERT का गठन किस सन में हुआ था, इसको हिंदी में लिख बा दो, ठीक है, या आप अंग्रेजी में पूछ लो राष्ट्रीय राज्य शैक्षिक संस्थान का। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कई बार क्या होता है वर्णों यानी शब्दों के हेर फेर कर दिया जाता है बस और कुछ नहीं है। तो 1961 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी जिसे हम इग्नू कहाँ स्थित है। प्रत्येक विद्यार्थी यानी सभी शिक्षकों को ये तो याद होगा, नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, नई दिल्ली। शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है, प्रधान कार्यालय कहें मुख्य कार्यालय कहें तब भी आपको ध्यान में वही रखना है। तो कहाँ पर है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय, आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, तो यह TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई कराना या योजना बनाना, ठीक है। तो इस तरह के जब चार ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम प्रश्न को दूसरी बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, सबसे पहले उस जो भी क्रियाकलाप कराया जाना है उसकी एक निश्चित रूप से नियोजन तरीके से उसकी योजना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका योजना बनाना ही बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो मानवीय प्रबंधन के क्या क्या घटक हैं, विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ठीक है। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन के मैंने घटक आपको बताया था, शिक्षक होता है, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे होते हैं और वहाँ का समुदाय होता है। तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है तीनों ही, तो आपका यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, यानी कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है और फिर समाधान करते हैं तो उस समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग है वह आपसे पूछा गया है, तब आप जवाब देंगे निर्णयन की प्रक्रिया, ठीक है। आप उस समस्या का किस तरह निर्णय करते हैं, समाधान किस तरह करेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है। तो ये आप भलीभांति रूप से जानते हैं कि विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था एक रूप से हम कहें कि वित्त पोषित किया जाता है, तो ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा आदि, यानी कि तीनों के सहयोग से ही यह जो व्यवस्था है वो की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT स्थित है, NCERT स्थित है, यहाँ पे पूछा गया है, तो आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है, ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ग्राम शिक्षा समिति होती है, अगर महिलाओं की बात की जाती है, क्योंकि सभी ऑप्शन हमारे महिलाओं के अकॉर्डिंग दिए हैं, तो उनका 15% आरक्षण होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक महिला का होना अति आवश्यक है ग्राम शिक्षा समिति के गठन में, ठीक है। तो आप ऑप्शन भी आपका बिल्कुल फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लो कॉस्ट, नो कॉस्ट,
वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट। ठीक है, समझिए इस टैग लाइन को, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। तो ये इसका जो अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, यानी वहाँ का जो स्थान है, वहाँ पर वहाँ का जो परिवेश है, वो उसमें क्या क्या वस्तुएँ उपलब्ध हैं, उन्हीं को लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री में निर्माण किया जा सकता है, यानी सबसे कम प्राइज या बिल्कुल कोई प्राइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके माध्यम से कराई जाती हैं, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो ये भी आप अच्छी तरीके से विदित है। तो वहाँ की जो राज्य सरकार है वह है प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं वहाँ के लिए पाठ्य पुस्तकों, वहाँ के लिए निःशुल्क ड्रेस, उपलब्ध जूते आदि का ही उपलब्ध व्यवस्था करती है, तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा एक में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं, यानी जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है उसमें निर्धारित जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित हैं वो कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, तो ये आपके लिए याद रखना है कि क्लास जो वन होती है यानी फर्स्ट क्लास जिसमें बोले हम, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पुस्तक जो है वो निर्धारित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपका प्रदेश का मतलब आप जिस प्रदेश में निवास कर रहे हैं, तो संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है, और आपको क्लास वाइज आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो संस्कृत का हो जो पठन पाठन प्रारंभ कर दिया जाता है या किया जाता है वो क्लास थ्री से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी आपका क्लास थ्री यानी कक्षा तीन से ही होगा। समय सारणी दर्शाती है, ठीक है, तो समय सारणी ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को। तो अगर हम देखें टाइम टेबल जो विद्यालय का होता है, ओवरऑल आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों या बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को भी दर्शाती है, यानी किस कालांश में क्या कुछ पढ़ाया जाना है, शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया किस कालांश में, किस क्लासरूम में उसे जाना है, किस तरह शिक्षण प्रक्रिया करनी है, कितना टाइम है उसका। ठीक है, और प्रधानाध्यापक का उसमें सबसे जो रोल होता है उसको तैयार करने में, उसकी नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो होगा वो सभी क्रियाकलापों के तहत आपका ओवरऑल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, यानी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं उसको संचालित करने हेतु दायित्व किसको सौंपना चाहिए, ये आपके प्रश्न का कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो वहाँ के जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों करने का संचालन है वहाँ के अध्यापकों यानी कि शिक्षकों का ही हो दिया जाना चाहिए, ना कि अभिभावकों का। ठीक है, ना कि अभिभावकों का। ठीक है, तो ऑप्शन भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, यानी किसके अधीन ये कार्य करते हैं, जो प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं जिला समन्वयक। ठीक है, तो किसके अधीन होते हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा, तो ये किसके, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA के अंडर ये कार्य करते हैं, तो ऑप्शन भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। मैंने दो बार इस पर इसलिए जोड़ दिया, कई बार ये रिपीट हो रही है तो आपको याद रखनी है। ठीक है, कई बार इसको हिंदी में पूछ लिया जाता है, कई बार अंग्रेजी वर्णों को इस तरह लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ पर है ये, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर है ये, लखनऊ में स्थित है, इसलिए आंसर भी आप लखनऊ ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, यानी जिले स्तर पर अगर देखी जाए तो सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना होगा, तो आप प्रत्येक जिला स्तर पर आप सभी जो आपको शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया करती है, ठीक है, तो वो डाइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी डाइट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो दो बार रिपीट हुआ है और आपको ध्यान भी रखना होगा, अब तक तो आपको याद भी आ गया होगा कि क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्रियाकलाप कराना है या तो क्लासरूम के अंदर कराओ या उससे बाहर कराओ, सबसे पहले तो उसकी नियोजित योजना बनानी करती है, उसका प्रारूप तैयार करना होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किसी संगठन का समन्वय नहीं होता है, किसके अंतर्गत होता है, कि यहाँ पर संसाधन दिए हैं यानी वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, दूसरी बार उसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत
किस संगठन का समन्वय नहीं होता है, तो वित्तीय संसाधन के अंदर। ठीक है, जैसे ही दूसरी बार आप उसको अध्ययन करेंगे आपकी समझ में ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक हो जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, शिक्षण के अलावा। ठीक है, शिक्षण कार्य तो है ही, वो चल रहा है, चलता ही है प्रत्येक विद्यालय में, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से क्या उपयुक्त है सभी के लिए, गणित विषय, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, तो यहाँ पर होना चाहिए अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों, यानी कि जो दोनों हैं यहाँ पर डी ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, किस तरह प्रारूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य सरकार की गाइड वो आप स्पष्ट तरीके से अंकित भी है, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उनकी पठन क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, या उनकी फिर योग्यता के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जब भी क्लासरूम की बात की जाती है और विशेषकर फर्नीचर की बात की जाती है, ठीक है, तो देखा जाता है कि बच्चों को शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, ठीक है, तो यानी बच्चे उसमें किस तरह वृद्धि के लंबाई के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग टेबलों की व्यवस्था की जाती है, तो आपका आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, तो जो अधिगम क्रिया होती है हमारी, उसका प्रबंध किया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू पूछा जाए या पक्ष पूछा जाए, तो आपको याद रखना होगा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है, वहाँ का प्रशासन। ठीक है, ये याद रखेंगे तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट आपका, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके, मान्यता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके, चार ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों के नज़दीक होती है उनकी माँ होती है, इसलिए माँ ऑप्शन में मिल जाए तो किसी को नहीं देखना है। ठीक है, जब इस तरह का प्रश्न बनेगा, क्योंकि माँ को ही प्रथम शिक्षक भी कहा जाता है और परिवार जो होता है प्रथम विद्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव हो पूछा गया है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको वर्णों के ऊपर। ठीक है, कौन सा वर्ड किस रूप में अर्थ देगा। ठीक है, तो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ठीक है, यानी वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल है, वह ग्राम शिक्षा समिति का जो सदस्य सचिव होगा। ठीक है, याद रखेंगे, सदस्य सचिव जब पूछा जाएगा तब, तो क्या होगा आपका आंसर, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक बिल्कुल से करेक्ट होगा। अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ग्राम प्रधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास उचित वित्त की व्यवस्था है तो वह क्या क्या निर्धारित कर सकता है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वह ही निर्धारित करेगा, अगर जितना आपके पास धन होगा, वित्त होगा, वह आपकी प्रबंधन की सफलता को ही निर्धारित करेगा, इसलिए ऑप्शन भी वर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, यानी एक लर्निंग कॉर्नर जिसे तैयार किया जाता है, तो उसके द्वारा बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है, उनके खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो स्वयं से अवलोकन करने की क्षमता का, स्वयं निरीक्षण करने की क्षमता का, स्वयं निष्कर्ष निकालने की क्षमता, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जब भी जो भी लर्निंग कॉर्नर होता है एक तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसमें ये सारे ही गुण विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा ही, क्योंकि वह स्वयं करता है, स्वयं अपना अवलोकन करेगा, स्वयं अपना निरीक्षण करेगा वह क्या किया है, स्वयं निष्कर्ष निकालेगा कि कहाँ तक हम ठीक हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओवरऑल ठीक है, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा दो में निर्धारित कुल पुस्तकों या पाठ्य पुस्तकों की संख्या है, यानी सेकंड क्लास की जो क्लास है प्राइमरी के लिए परिषदीय, ठीक है, तो वहाँ पर जो क्लास सेकंड होती है उसमें निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या आपसे पूछी गई है, संख्या एक में यानी क्लास एक में, और क्लास दो में, क्लास तीन में, इस तरह पुस्तकों को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस क्लास में जो निर्धारित पुस्तकें हैं वो कितनी हैं। ठीक है, तो क्लास दो के लिए दो ही पुस्तकें और क्लास फर्स्ट के लिए एक ही पुस्तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जा सकती है, यानी अगर हम जनरल रूप से देखें, ठीक है, तो विद्यालय में कितने प्रकार से टाइम टेबल बनाई जा सकती है, तो एक ही प्रकार से टाइम टेबल बनाओगे आप किसी भी रूप में देखें, क्योंकि टाइम टेबल जो है
एक व्यवस्थित रूप से बनाई जाएगी, उसमें सभी कलांक सभी शिक्षकों के और विद्यार्थियों के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयार यानी टेबल जो है निर्मित की जाती है। तो एक ही बार तैयार की जाएगी, सामान्य रूप से बनवाएं या कहीं से भी देखें आप, ठीक है। तो समय सारणी उत्तम साधन है किसका, ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं, ठीक है। तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, यानी एक नियम से एक क्रमबद्ध तरीके से टाइम टेबल जो है आपकी प्रधानाध्यापक की नेतृत्वशीलता का दर्शन करती है, ठीक है। और विद्यालय में कौन सी सब्जेक्ट किस क्रम में रखनी है ये भी उनके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है, एक बेहतर वे में। तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उत्तम साधन है जो टाइम टेबल होती है विद्यालय की, ठीक है, यानी समय सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होनी चाहिए, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो एक पीरियड होता है, जैसे उच्च क्लास में या अगर हम माध्यमिक क्लास में देखें तो टाइम पीरियड उनके लिए अधिक हो जाता है, 45 मिनट हो जाती हैं। तो अगर वहीं पर हम छोटे बच्चों के लिए अगर देखते हैं तो उनके लिए जो पीरियड की जो टाइम टेबल है यानी टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वही 30 से 35 मिनट तक। और यह भी मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि एक विद्यार्थी अपना फोकस यानी कि अपनी जो स्मृति शक्ति है उसको एक जगह पर रख सकता है बस 30 से 35 मिनट ही, इसलिए उनका जो कलांश का समय होता है वो 30 से 35 मिनट के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी अभिलेख होने चाहिए, यानी जो भी अभिलेख हैं विद्यालय के हों या शिक्षकों के प्रति हों या अभिभावकों की जो मीटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें या जो समाज के द्वारा या धनी व्यक्तियों के द्वारा जो भी वित्त उसमें दिया गया है, कोई भी अभिलेख हो विद्यालय का, ठीक है, तो वो होने चाहिए। तो इसे भी आप ऑफिशियली जानते हैं कोई वो किसने सही वैध एवं विश्वसनीय होने चाहिए, ताकि तभी वह समाज और अन्य अधिकारियों के लिए एक सही आदर्श प्रारूप कर पाएंगे और आपको वित्त व्यवस्था भी उसमें कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, ठीक है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, ऑप्शन भी देख लीजिए किसके अकॉर्डिंग में पूछ रहा है, ठीक है, यानी जिला समन्वयक के जो पद हैं वो किसके द्वारा सृजित किए गए हैं, ठीक है, यही पूछा गया है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ के द्वारा ये पद जो हैं वो सृजित किए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, जो शिक्षा प्रबंधन का सबसे जो प्रमुख कार्य है पूछा जाए, ठीक है, तो वही है, तो दो बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो ऑफिशियली आपको अब तक तो याद हो गया होगा क्या करना, नियोजन करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रबंधन करने से पहले एक निश्चित प्रारूप एक नियोजन तैयार किया जाता है जिसे हम योजना कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन किस महोदय का है, ठीक है, तो संगठित समूह के द्वारा मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है, किस महोदय के द्वारा कहा गया है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो कीवर्ड आप तैयार करेंगे, ठीक है, तो कीवर्ड जब हम देखते हैं तो यह जो डेफिनेशन है दो बार रिपीट हो चुकी है, हेरोल्ड कनीज के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है या कथन है ये, ठीक है, तो आंसर भी वही होगा, हेरोल्ड कनीज। नेक्स्ट आपका, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और देखिए विद्यालय प्रबंधन के लिए जो सबसे वहाँ की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहाँ के मुख्य अध्यापक की यानी कि प्रधानाध्यापक की, ठीक है, वह वहाँ सर्वे सर्वा होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे विद्यालय प्रबंधन के लिए प्रधानाध्यापक जो कि मुख्य रोल में होता है यानी कि मुख्य भूमिका में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप ग्रामीण में एक विद्यालय खोलना चाहते हैं प्राइमरी, ठीक है, आप ही एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो आपको वहाँ पे जो भवन है यानी वहाँ की अगर आप ज़मीन देखोगे वहाँ का भवन निर्मित करने हेतु तो क्या क्या आपके अकॉर्डिंग वहाँ की जो है होनी चाहिए, ठीक है, तो वहीं पर आपको ध्यान में रखना है, ये चार ऑप्शन बिल्कुल से वही दिए हुए हैं, ठीक है, तो जब आप एक बेहद अच्छे स्तर से देखोगे तो गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पर आवागमन की सुविधा हो अच्छी तरीके से। खुला मैदान क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट हो जो शोरगुल से बिल्कुल से मुक्त हो, ठीक है, और एक इस तरह का एनवायरनमेंट हो तो जिसमें खुली हवा हो, बच्चों के लिए खुले मैदान हो खेलने के लिए आदि, ताकि उसका उनका विद्यार्थियों को वहां पर जो है सर्वांगीण विकास के रूप में हम जो शिक्षा को प्रदर्शित करते हैं प्रयोग करते हैं वह हो सके, ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना होता है हमें।
नेक्स्ट है आपका मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो मानवीय प्रबंधन है जो है उसके क्या क्या घटक होते हैं, तो विद्यालय भवन उसका घटक होता है, पुस्तकालय उसका घटक होता है, फर्नीचर उसका घटक होता है, या फिर शिक्षक बच्चे और समुदाय उसका घटक होता है। ठीक है, तो ये इस तरह चार ऑप्शन दिए हुए हैं और कई बार रिपीट हो चुका है। तो मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं वहाँ का शिक्षक होता है, ठीक है, और वह उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी यानी कि बच्चे और वहाँ का आसपास का जो समुदाय है या समाज हम कह दें इस जगह पर, तब भी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। समय सारणी का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए यानी हम उसे उत्तम गुण कहेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन यानी लोच का सिद्धांत उसमें लागू होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर भी आपका वही होगा, लचीलापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है, यानी विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का उद्देश्य क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का उद्देश्य एक ही होता है कि समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। अब सहयोग आपका कई रूपों में हो सकता है, वित्त रूप में हो सकता है, आदि रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक बैंक में से संबंधित पंजिका नहीं है, यानी जो बुक बैंक होती है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो पंजिका है वो नहीं है, नहीं पूछा गया, तो भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपका भंडार पंजिका है, संचयी अभिलेख है, दान पंजिका है या कार्यवाही पंजिका है, तो क्या नहीं होनी चाहिए बुक बैंक से संबंधित, तो यहाँ पर यह पूछा गया है, तो संचयी अभिलेख, ठीक है, नहीं होगा, तो आंसर भी वही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो व्यायाम की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो ये तो आप ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं, किसके लिए, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, ठीक है, जिसमें आपका बालक का सर्वांगीण का मतलब होता है उसका मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि विकास आ जाते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि एक बालक में स्वच्छता के साथ नहीं आता है, तो आपके विद्यालय में आप एक शिक्षक हो मान लीजिए और कोई बालक बिल्कुल स्वच्छता के साथ आपकी क्लास में नहीं आता है और आपने उसे प्रांगण में ही देख लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, तो क्या इसी तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या करोगे आप, तो आपको उसे डांटना नहीं होगा, ना उसको पीटना होगा, उसे स्वच्छता के लाभ बताएंगे, एक आदर्श के रूप में उसके सामने स्वच्छता को प्रस्तुत करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, हाँ वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटा तथा विद्यालय को प्रस्तावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है, किसके अंतर किया जाता है, कौन सी बुक होती है, तो ये भी ध्यान रखना है किस बुक के अंतर्गत क्या कुछ किया जाता है। ठीक है, सारी ही बुकें याद रखनी है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लॉग बुक कहलाएगी। ठीक है, लॉग बुक कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अब तक तो याद भी हो गया कि जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो 1975 में उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर काल दिए हुए हैं, गुप्त शासनकाल, मुगल शासनकाल, अंग्रेजों के शासनकाल या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अगर आप देखोगे तो विद्यालय में जो निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो किस काल में हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, यानी ब्रिटिश काल भी अगर हम इसको कहें तब भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, रिपीट हो चुका है, आप जानते हैं विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला यानी कि जिसे विद्यालय का हृदय कहा जाता है वह क्या होती है, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होगी। ठीक है, तो लाइब्रेरी आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है, यानी एक जो संचयी अभिलेख पत्र होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, जो इसमें क्या कुछ डेटा रखा जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने जिसमें छात्रों की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है या अपने शिक्षक की प्रगति का रखा जाता है या विद्यालय वित्त की प्रगति का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संचयी अभिलेख पत्र होता है उसमें छात्रों की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है, किस छात्र के द्वारा कितनी डेवलप यानी प्रगति की गई है। ठीक है, तो ये विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों हमारे द्वारा आपको यह प्रोवाइड की गई आपके लिए बिग मैराथन क्लास जो कि आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र की आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रही होगी मित्रों। और वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक शेयर तो बनता है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।